तो सेलफोन की बैटरी चार्ज करते वक्त फोन बहुत ज्यादा हीटअप हो जाता है, तो क्या ये नॉर्मल चीज है? इसी क्वेश्चन का आंसर मैं करूंगा आज आपको। मेरा नाम है भूषण, आपको तो वैरायटी स्टफ पे सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को बेल आइकॉन प्रेस करके, और बने रहिए आने वाले हर एक वीडियो के साथ, और नोटिफिकेशन पाइए बेल आइकॉन को प्रेस करके। तो जहां तक बात है बैटरी हीटअप होने की, सेलफोन हीटअप होने की चार्ज करते हुए, ये एक नॉर्मल चीज है। अगर आपको पता है आपके जो अभी सेलफोन जो मार्केट में फिलहाल आ रहे हैं उनकी बैटरी कैपेसिटी जो है वो ऑलमोस्ट 3000 mAh की मिनिमम है, और 4000 mAh की बैटरी के साथ सेलफोन आजकल आना नॉर्मल हो गया है। तो जहां तक बात है बैटरी हीटअप होने की, सेलफोन हीटअप होने की, उसके पीछे रीजन यही है कि बैटरी कैपेसिटी बढ़ते जा रही है दिन ब दिन। सेलफोन में जो बैटरी आ रही है उसकी जो कैपेसिटी वो तो बढ़ ही जा रही है, लेकिन चार्जर की वजह से बहुत ज्यादा हीटअप होने लगता है फोन। तो चार्जर अगर आपके सेलफोन में 3000 mAh की बैटरी है या उसके ऊपर की बैटरी है, तो आपके फोन के साथ आने वाला चार्जर जो रहेगा वो भी फास्ट चार्ज रहेगा। फास्ट चार्जर में होता यह है कि चार्जर जो होता है उसकी जो एम्पियर होता है 2.1 एम्पियर के ऊपर का चार्जर आपके सेलफोन को मिलता है, प्रोवाइड करते हैं कंपनी इस ये ऐसे चार्जर जिससे होता यह है कि 2.1 के ऊपर वाला जो चार्जर होता है वो बहुत ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रिसिटी आपके इसमें फोन में ट्रांसफर करता है, जिससे कि आपकी आपके सेलफोन की बैटरी जो होती है, स्मार्टफोन की बैटरी जो होती है वो ज्यादा जल्दी से जल्दी बूस्टअप होती है, जल्दी से जल्दी वो चार्ज होती है। इसके पीछे रीजन यही है सेलफोन हीटअप होने के। दूसरा रीजन एक होता है वो सॉफ्टवेयर इश्यू होता है। सॉफ्टवेयर इश्यू यानी क्या? आपने देखा होगा लेनोवो K3 नोट या फिर K4 नोट या लेनोवो के मैक्सिमम सेलफोन जो है उनकी बैटरी हीटअप इश्यू बहुत ज्यादा था। ये इस वजह से कि उनका जो ओएस था वो स्टेबल नहीं था। कोई भी ओएस स्टेबल नहीं होता है तो कोई ना कोई ग्लिचेस, कोई ना कोई बग्स आ ही जाते हैं। उसमें से ये लेनोवो का एक सबसे बड़ा बग था कि उनका हर एक सेलफोन जो भी मार्केट में वो लॉन्च करते थे वो हिट होता था। कस्टमर्स की बहुत ज्यादा उसके पीछे कंप्लेंट रहती थी, यार बहुत ज्यादा हीटअप होता है। लेकिन ये नॉर्मल है, जब सॉफ्टवेयर अपडेट आ जाएगा तो आपके सेलफोन में वो इंस्टॉल होने के बाद आपका सेलफोन जो है नॉर्मल जो रहता है, जितना हीट होता है उतना ही होगा। दूसरी बात वैसे देखने लायक जो है वो है प्रोसेसर। प्रोसेसर जो पहले आते थे वो एक 1 कोर 2 कोर मैक्सिमम 4 कोर के होते थे। अब हो ये रहा है कि सेलफोन में मिनिमम ऑक्टा कोर प्रोसेसर आने लग गए हैं। तो एट ए टाइम जब 8 कोर प्रोसेस करेंगे तब हीट तो जनरेट होगी, ऑब्वियसली बात है। अगर आप आपके पीसी को, आपके लैपटॉप को अगर आप टच करके देखते हो प्रोसेसर के ऊपर, तो आपके लैपटॉप का प्रोसेसर भी उतना ही गर्म होता है, ठीक है, उतना ही हीटअप होता है। तो ये एक नॉर्मल चीज है। आने वाले जो प्रोसेसर है वो और ज्यादा फास्ट रहेंगे, ज्यादा कैपेबल रहेंगे हर एक चीज ज्यादा प्रोसेस करने के लिए। तो आपका सेलफोन अगर हीटअप हो रहा है तो ये नॉर्मल बात है, आप इससे डरिए मत। और आप ये मत समझिए कि आपके फोन के बैटरी को कुछ हो जाएगा, बैटरी फूट जाएगी है, और ये बहुत ज्यादा बड़े मिथ है। बैटरी एक इश्यू होता था पहले जो कि अभी नहीं है, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी जो आपकी इसमें आ रही है वो बहुत ज्यादा कैपेबल है। और ज्यादा अगर आप आपकी सेलफोन 100 के ऊपर अगर आप रात भर लगा के रखते हो, और 100% बैटरी चार्ज होने के बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये अच्छी चीज नहीं है, तो प्लीज डरिए मत। कोई डरने वाली बात है नहीं इसमें, क्योंकि आपके फोन इतने ज्यादा स्मार्ट है, उसके चार्जर्स इतने ज्यादा स्मार्ट है कि आपके फोन की बैटरी अगर 100% चार्ज हो भी जाती है तो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, और वो कभी ओवर चार्ज नहीं होता है। तो ये एक चीज है जो दिमाग से ना आप निकाल लो कि फोन गर्म हो रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है, बैटरी के लिए फोन हीटअप हो रहा है। तो प्रोसेसर से नॉल इतना ज्यादा चलता है कि वो फोन हीटअप होने ही वाला है, तो नॉर्मल बात है, तो आप डरिए मत। तो ये एक मिथ है कि ऐसा ऐसा कुछ होता है। तो शायद मैंने आपका ये डाउट भी आपके मन में बहुत दिन से हो गया है, जो मैंने भी क्लियर कर दिया है। फिर भी अगर आपको लगता है कि अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में नीचे, लाइक कीजिए मेरे इस वीडियो को।
सब्सक्राइब कीजिए चैनल को मेरे और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे कि आने वाले हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑफिशियली मिलेगी। तो प्लीज विजिट करते रहिए मेरे चैनल को, द वैरायटी स्टफ को। मेरा नाम है भूषण, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।